सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंगनू ने नियान को बताया था कि हजारों साल पहले जो युद्ध हुआ था तब उसके अंदर फिनिक्स की सोल पर हमला हुआ, जिसकी वजह से फिनिक्स की लो में रिबोन होने की पावर चली गई और फिनिक्स कबीले को फिनिक्स का खून विरासत में मिला था। और अगर हम इसी तरह से डेवलप होते रहे तो एक दिन हम फिर से फिनिक्स बन जाएंगे। उसके बाद ड्रैगन एल्डर ने लुओ और उसके साथियों पर हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए नियान ने सभी को जहर दे दिया था। अब हम देखते हैं कि लो सभी से कहते हैं कि यहाँ बहुत खतरा है, आखिर ये ड्रैगन सैनिक इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं जिन्हें हम मरा नहीं पा रहे। और तेलिन से वहाँ के हालात के बारे में पूछता है तो तेलिन बताता है कि हालात कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर वाटर मैजिक ट्यूटर लीडे अपनी पावर से जख्मी सैनिकों को ठीक करने लगते हैं ताकि जब कोई उन पर हमला करे तो उनके सैनिक कमजोर ना रहे। वहीं लिंग नियान की हालत देखकर रोने लगती है क्योंकि नियान बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसका एक हाथ भी टूट गया था, जिसे देखकर लिंग पूछती है कि क्या नियान तुम ठीक हो, क्योंकि मेरा मैजिक बस तुम्हारी बॉडी के ऊपर वाले घाव को ठीक कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी की टूटी हुई धमनियों को ठीक नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर नियान अपने लेफ्ट हैंड को हिलाने की कोशिश करता है मगर ऐसा नहीं कर पाता और लिंग से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई खास चोट नहीं आई है। तो लिंग कहती है कि तुम मिलना बंद करो, तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर काफी चोट आई थी इसलिए मैंने उसके साथ छेड़खानी नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे हैंड को बांधने में तुम्हारी मदद करूंगी। दूसरी तरफ तेलिन लुओ से कहता है कि अध्यक्ष, हमारे रेंट यूनियन के बहुत सारे सैनिक घायल हैं, लेकिन खुशी की बात तो यह है कि हमारे सैनिकों में से कोई भी नहीं मरा। तभी एक सैनिक आकर लुओ को बताता है कि ड्रैगन सैनिक अब हमारा पीछा नहीं कर रहे। तो तेलिन कहता है कि अब हम लोगों को वापस जाना चाहिए। तो लुओ कहते हैं कि वो लोग बहुत शातिर है, हो सकता है कि वो लोग केव के एग्जिट पर हमारा इंतजार कर रहे हो। तभी दूसरा सैनिक आकर लोगों को बताता है कि सामने जो केव है उसके पीछे बहुत सारा ट्रेजर है। ये सुनकर लो सभी से कहते हैं कि जो जहाँ खड़ा है वहीं आराम करो, थोड़ी देर के बाद हम लोग केव के अंदर चलेंगे। फिर लो नियान के पास जाकर उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं तो नियान कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो मिंग कहती है कि तुम जहाँ हीरो बनने की कोशिश मत करो, हम सब बहुत थक चुके हैं, इसलिए मैं तुम सभी के खाने के लिए कुछ बनाती हूँ ताकि हम सबको थोड़ी एनर्जी मिल सके। ये सुनकर नियान अपनी स्पेस रिंग की मदद से खाना बनाने के लिए जरूरी सामान को बाहर निकालता है और मिंग से माफी मांगता है क्योंकि नियान की वजह से ही मिंग और किंग इस मिशन पर आने के लिए तैयार हुए थे। तो मिंग नियान से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम दोनों इस मिशन पर आना चाहते थे और वैसे भी अब हम दोस्त हैं। और खाना बनाने लगती है। जिस ट्रिक से मिंग खाना बना रही थी वो लाइव टियरिंग ईगल हैंड थी, जिसे देखने के बाद नियान उसे पूछता है कि क्या तुम इस ट्रिक का भी यूज कर सकती हो। तो मिंग उसे कहती है कि मैं इस ट्रिक को तो यूज कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तब मैं अपने पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने काफी प्रैक्टिस की लेकिन फिर मैं इस ट्रिक में जीनियस नहीं बन पाई। तो नियान कहता है कि तुम्हारे पास जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चौकन्ना रहती हो और तुम नाइफ स्किल को भी बेटर तरीके से जानती हो। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पहले से जानता था और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हम पहली बार कब मिले थे। तो इसके रिप्लाई में मिंग नियान से कहती है कि तुम बुरी तरह घायल हो, फिर भी इतनी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए, अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ये सुनकर नियान वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिंग खाना बना लेती है और सभी को सर्व करती है, जो कि काफी टेस्टी था। खाना बनाने के बाद लो सभी लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब सभी लोग तैयार हैं, हमें अब चलना चाहिए। लोगों की बात से सभी सहमत है और केव के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो केव के अंदर जाते हैं लोगों को बहुत सारा खजाना दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि मैंने इतना सारा खजाना कहीं नहीं देखा, यहाँ नेशनल ट्रेजर से भी ज्यादा ट्रेजर है। और लोग वहाँ रख के गोल्ड पॉट को उठाने लगते हैं तो फेंगनू लोगों से कहती है कि आप उन ट्रेजर को मत छुओ, अगर ड्रैगन मास्टर को इस बारे में पता चला तो हम सबको मार देगा। तो लोग कहते हैं कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते, हमें यहाँ से कुछ ले जाना होगा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जिस मिशन पर आए थे वो फेल हो जाएगा। तभी ट्रेजर के ऊपर सोया ड्रैगन मास्टर करवट लेता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। फिर फेंगनू कहती है कि यह ड्रैगन ठीक वैसा है जैसा हमने अल्टर पर देखा था, ये रियल में एक फायर ड्रैगन है जो काफी खतरनाक है। ड्रैगन को देखकर लिंग काफी डर जाती है और वो फेंगनू से कहती है कि अब तुम्हें क्या लगता है कि हम इस जगह से जिंदा निकल जाएंगे। तो फेंगनू कहती है कि रियल ड्रैगन अर्थ ड्रैगन के मुकाबले ज्यादा आलसी होते
रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए और वो हमारे पीछे भी नहीं आएगा और फेंगनू वहाँ बने। एक हॉल से बाहर निकलने के लिए कहती है तो नियान उस हॉल को देखकर कहता है कि यह हॉल काफी ऊंचा है, इसीलिए हमें पहले किसी को चेक करने के लिए भेजना होगा। तभी लोगों के सैनिक संदूकों में वहाँ रखे ट्रेजर को भरने लगते हैं, जिन्हें देखकर नियान उन लोगों से ऐसा करने के लिए मना करता है। तो रेंट यूनियन का सैनिक नियान से कहता है कि तुम हमें इस ट्रेजर को लेने से नहीं रोक सकते, ये बड़ी मेहनत के बाद हमारे हाथ लगा है। वहीं वारुई फेंगनू से कहती है कि तुम पागल हो गई हो, हमने यहाँ रखी कई चीजों को छू लिया है और अभी तक ड्रैगन नहीं जागा और मुझे यकीन है कि आगे भी नहीं जागेगा। तो लुओ सभी सैनिकों से कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ ट्रेजर को ही मत लेना जिसकी तुम्हें जरूरत है, बल्कि हम जिस बोतल को लेने आए हैं उसे भी ढूंढना। ये सब देखकर नियान फेंगनू से कहता है कि क्या ये जो हो रहा है सब ठीक है? तो फेंगनू कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब गलत है, लेकिन तुम्हें क्या हो बात याद है जो मैंने तुम्हें बोतल के बारे में बताई थी? फिर नियान कहता है कि तुमने बताया था कि अगर एक बार वो बोतल दिख गई तो उसकी वजह से सभी जगह क्योस फैल जाएगा। तो फेंगनू कहती है कि मुझे नहीं पता कि बोतल की वजह से ऐसा क्यों होगा या इसके पीछे क्या राज है, लेकिन ये बात सच हो सकती है और इसके चांस भी बहुत ज्यादा है। और मुझे यकीन भी हो गया है कि ये अजगर रियल में आलसी है जो कि उस बोतल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ है। अगर रेंट यूनियन के लोगों को बोतल मिल गई तो इस ड्रैगन को जगा देंगे, फिर वो हम सभी को मार देगा। तभी लोग अपने सैनिकों से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को बोतल मिली? लेकिन किसी को भी वो बोतल नहीं मिलती। वहीं पेंग चाओ भी छिपकर रेंट यूनियन के लोगों को देख रहा था। तभी वह रुई को एक बोतल दिखाई देती है जिसे वो छू लेती है, जिसकी वजह से वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और सभी उसमें फ्रीज हो जाते हैं। ये देखकर किंग कहता है कि मैं अपनी शॉट की मदद से इस शील्ड को तोड़ दूंगा। तो मिंग उसे कहती है कि तुम्हें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ देते हो तो रियल ड्रैगन जाग जाएगा। ये सुनकर लिंग लीडर से कहती है कि क्या आप इस शील्ड को तोड़ सकते हो? तो लीडर कहते हैं कि मैंने ऐसे फॉर्मेशन को कभी नहीं देखा क्योंकि यह लगातार मेटल पावर और डोकी को एजो कर रहा है। ये सुनकर नियान कहता है कि एटर्नल स्लीप शील्ड है, मैं इसे तोड़ दूंगा, बस आप सभी लोग पीछे हटो। जैसे ही सभी लोग पीछे होते हैं, नियान अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है जिसकी वजह से सभी पहले की तरह फ्री हो जाते हैं। फिर तेलिन पूछता है कि अभी हम लोगों को क्या हुआ था? तो मिंग बताती है कि वारुई ने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था जिसकी वजह से तुम सभी लोग कोमा में चले गए थे, लेकिन नियान ने किसी तरह उस शेड को तोड़ दिया। ये सुनकर लुओ नियान से कहते हैं कि मेरे रेंट यूनियन का लीडर, तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तो नियान कहता है कि अब हम लोग एक टीम है, इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक टीम की तरह काम करने की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। तो लुओ कहते हैं कि नियान तुम ठीक कह रहे हो, एक बार बस अब बोतल मिल जाए तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। तभी लुओ को एक बोतल दिखाई देती है और उसे लेने के लिए जाते हैं। तभी चाओ भी उस बोतल को लेने के लिए लुओ पर हमला करता है, जिसे हुआ रुई बीच में आकर रोक लेती है। चाओ को देखकर तेलिन और लुओ उस पर हमला करने लगते हैं। तभी लिंग भी अपनी स्किल का यूज करके चाओ पर हमला करती है, जिसे देखकर चाओ कहता है कि तुम लोग मुझे काफी परेशान करने वाले हो, और लिंग के हमले को एक शील्ड की मदद से रोक लेता है। शील्ड को देखकर लीडे को पता चलता है कि चाओ एक ब्लैक मेज है। वहीं चाओ लीडे पर हमला करके बोतल को ले लेता है। तो लुओ से कहते हैं कि चोर बोतल हमें वापस कर दो, तुम इसे चुरा नहीं पाओगे, और उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर किंग भी चाओ पर हमला करता है, मगर वो अपने ब्लैक मैजिक की वजह से बच जाता है और सभी से कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम सब मिलकर मुझे हरा सकते हो? तुम सभी लोगों ने मेरे लिए रास्ता साफ किया, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन अब तुम लोगों के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। और चाओ ड्रैगन के ऊपर खड़ा होकर उसे जगाने के लिए अपने मैजिक से लाउड साउंड बजाता है, फिर अपने एक और मैजिक स्कॉलर को यूज करके वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर नियान कहता है कि यह तो टियर 10 का स्पेस मैजिक स्कॉलर है, यह रियल में मौजूद होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। चाओ के जाने के बाद रियल ड्रैगन जाग जाता है। वहीं चाओ बोतल को लेकर केओ से बाहर
बाहर आता है और सोचता है कि उस स्कॉलर की वजह से मुझे इतनी जल्दी और आसानी से बोतल मिल गई। तभी हाओ चाओ के पास आकर कहता है कि आखिर तुम अपने मिशन में पास हो गए। तभी ड्रैगन के जागने की वजह से वो जगह पूरी तरह हिलने लगती है। तो चाओ कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि अब यह माउंटेन गिरने वाला है, और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।